कहां से लूथ लग गई इस लड़के की सच बोलने की, पता नहीं क्या जी का झंझाल बन गया ये मेरे लिए। पापा। अरे हाँ बेटा हाँ बता। पापा 2000 रुपए दो ना। 2000 रुपए? 2000 रुपए को चाहिए तुझे? अरे यार जीजाजी को फिल्म दिखाने ले जाना है पापा। अच्छा लंदन में फिल्म दिखाएगी उसे? एक बार बता तू उसे फिल्म क्यों दिखाने ले जा रही है ये बता। पापा प्लीज, ताकि वो भांडा ना फोड़ दे छोटे के सामने आपका। अब 2-4 घंटे फिल्म थिएटर में रहेंगे तो ये सच बोलेगा नशा उतर जाएगा, फिर ले आऊंगी पक्का। हा? अरे संतो 2000 रुपए की बात कर रही है तू, गोलचा में तो 80 रुपए लगते हैं टिकट के पिक्चर देखने के। हाँ तो सिंगल स्क्रीन में थोड़ी ना जाऊंगी, मल्टीप्लेक्स में जाऊंगी। मल्टीप्लेक्स में क्यों जाएगी ये बता। अरे यार पापा समझ नहीं रहे हो, देखो ये जो सच बोलने का भूत है, अगर एक फिल्म देख के नहीं उतरा तो फिर दूसरी स्क्रीन में घुस जाऊंगी ना, दूसरी में भी नहीं उतरा तो तीसरी में नहीं तो चौथी। एक बार सुन, एक काम कर, रजाई और गद्दा भी अपना साथ ले जा। जिस तरीके से तू अपना शेड्यूल बता रही है ना, तो मुझे तो लग रहा है आज तू थिएटर में घुसेगी और 3 दिन बाद बाहर निकलेगी। मैं कह रहा तू जिद मत करना मुझसे, मैंने कह दिया तो कह दिया, बस मैं तो जाना चाहता। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम इलायची जी, हम छोटे को सच्चाई बताने जा रहे हैं सेठ जी की, मिलते हैं बाद में। अरे भाग गया, पकड़ गया, जल्दी जा, जल्दी से पकड़ गया, ये फंसाया मुझे, भाग गया वो सत्यवादी। अरे सत्यवादी मैं कह रही थी ना। हाँ ले जा ले जा ले जा ले जा, देखो सुन अपना ख्याल रखियो। सिंगल स्क्रीन में ना मुझे लड़के छेड़ेंगे, कमेंट पास करेंगे, फिर क्या खाक ख्याल रखूंगी अपना। अरे तो ठीक है मल्टीप्लेक्स में ले जा जा। पैसे? अरे हाँ, अरे तू भी ना ले चल। अरे एलआईसी जी आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं, हमारे अंदर सच के कीड़े बिलबिला रहे हैं। हम उन कीड़ों पे डीडीटी छिड़क रहे हैं, चलो। आई लव यू। किसे आई लव यू कह रहा है? आपको। चलो अब। अरे ओके आई लव यू कह रहे हैं। अरे मुझे लग रहा है ये मुझसे जो है बहुत प्यार करता है, इसलिए सच जो है इसकी जबान पे आ गया। पंचम जी कुछ मेरे बारे में अच्छा बताओ ना। एलआईसी जी आपने तो बहुत सारी अच्छाई है। मैं सच में अच्छाइयों से भरी पड़ी हूँ। एलआईसी जी ये कहना गलत नहीं होगा कि अच्छाई शब्द आपको देख के बनाया गया है। देखिए एलआईसी जी ये आपकी सबसे बड़ी कमी है, जब भी कोई इंसान आपकी झूठी तारीफ करता है तो आप चने के झाड़ पे चढ़ जाती है। क्या आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं? एलआईसी जी देखिए आपकी दूसरी कमी ये है कि आप बहुत जल्दी भड़क जाती हैं। अच्छा हाँ एक तो झूठी तारीफ कर रहे हो, अगर भड़कूंगी नहीं तो क्या नाचूंगी? तीसरी आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आपको सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद है। हाँ तो चांदनी चौक में कोई एक बंदा ढूंढ के ला दो जो अपनी तारीफ सुनना पसंद ना करता हो। देखिए एलआईसी जी आपकी चौथी कमी ये है कि आप बहुत जल्दी बहस करने लगती हैं। अगर आप अभी चुप नहीं हुए ना जीजाजी तो मैं बता रही हूँ, गंदा नाला कोई दिखेगा ना उसमें धक्का दे दूंगी, 3 दिन तक शरीर से बदबू नहीं जाएगी फिर। देखिए एलआईसी जी आपकी पांचवी कमी ये है कि आप बहुत जल्द खून खराबे पे उतर आती हैं। अरे चुप कर जाओ, नहीं सुननी खुद की तारीफ नहीं। एलआईसी जी आपकी छठी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप अपनी 4 या 5 बुराइयां सुनने के बाद झल्ला जाती हैं और बंदे को चुप होने का फरमान देती हैं, जबकि बंदा बस आपकी तारीफ करने ही वाला होता है। तो फिर कीजिए ना। एलआईसी जी आपकी सातवीं सबसे बड़ी कमी ये है कि आप बंदे पे बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और आगे सुनने लग जाती हैं। अरे ओ जीजा जी ज्यादा बकवास मत करो, आगे का और शब्द भी बोला ना तो मैं बता रही चांदनी चौक में ना हंगामा खड़ा हो जाएगा आज, बता रही हूँ मैं सच्ची। 27 की बात हुई उस। I love you एलआईसी जी। ओ भैया भरो जल्दी चलो जल्दी चलो भैया। एक मिनट अरे पंचम, अरे एक सेकंड, अरे पंचम, अरे मुझे, अरे बात करनी है। ओ आई लव यू लाइची जी। ओए संजू रुक रुको, इलायची संजू सुनना, ये जो छोटे आ रहा ना वो छोटे को रोक तू, रोक 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 वहां पे रोक, चल 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 जल्दी भागो 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 भागो। लाइची जी आई लव यू। अरे 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 क्या है, कहां भाग रहा है छोटे? मैं कहां भाग रही हूं छोड़ना भी। अरे पंचम क्या है क्या है क्या, पहले मेरा हिसाब कर। कौन सा हिसाब?
अरे रोज आके गरम गरम जलेबी कचोरी समोसे खाता है, पैसे के तेरे बाप देगा। अरे तो मैं दे दूंगा, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, अभी तो छोड़। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलोगे तब तक तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे ले ले, दे रहा हूँ, ले ले ले, ये रख ले। पूरा हिसाब नहीं है। अरे तो पूरा हिसाब नहीं है जी, जितने हैं ये तो रख ले, ठूस ले ठूस ले ठूस ले, अब तो छोड़ दे। अरे राक्षस, अब तो छोड़ दे। जीजाजी, मेरा मतलब है पंचम, वो देखो ना, वो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को गोदी में उठा रहा है। वही लाइसी जी, हम भी वही देख रहे हैं। इतनी वजनदार लड़की और इतना पतला लड़का, मजाक नहीं है लाइसी जी। ओहो पंचम, मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है, वो देखो अगर तुम्हारी जिंदगी में मौका आया तो क्या तुम मुझे ऐसे ही गोदी में उठाओगे? हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या? इलायची जी अगर आप कहें तो हम अभी इसी वक्त इसी क्षण आपको उठा लेते हैं। इलायची जी आप बहुत प्यारी लगती हैं हंसते वक्त। आई लव यू इलायची जी, हम आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। जी सच्ची जी। लेकिन यार नहीं, क्या कर रही हैं आप आंटी जी, आप हमारे डोले को क्यों हाथ लगा रही हैं बार बार? अरे मैं छोटे हूँ छोटे। अरे आप छोटे हो या बड़े हो, हमें क्या लेना देना, होंगे आप छोटे, हम क्या करें फिर? अरे वैसा छोटे नहीं हूँ, मसाज वाला छोटे हूँ, मसाज वाला। अरे ये तो छोटे, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे ये गुंडा ना औरत के भेष में हमें छेड़ रहा है। अरे इलायची जी, अरे मैं लड़का हो के लड़का, अरे लड़का हो के लड़के को क्या छेड़ूंगा? अरे सुनो, साहब जी ये एक कल्लू पहलवान की फाइल है, एक बार चेक कर लीजिए। अब इस पिंकी के बच्चे को बड़े साहब सस्पेंड करेंगे और इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा। साहब जी आप कुछ जुगाड़ के बात कर रहे थे ना? सर आपका वो दरियागंज वाला जुगाड़ कैसा चल रहा है? मंगीलाल जी सर, ये सो क्यों नहीं रहा है? सर बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, आपका वो दरियागंज वाला और करकट डूमा वाला जुगाड़ जो ना, दोनों के बारे में पिंकी जी को सब पता है। मंगीलाल जी सर, ये कैदी सो क्यों नहीं रहा है? पुष्पा अब तो इसकी नौकरी जाएगी। सर वो जो पहाड़गंज वाला आपका खाता था, सुना है पिछले महीने आपने वो बंद करवा दिया, क्यों सर? इंस्पेक्टर पिंकी जी सर, हमें मालूम है कि आप नहायत ही काबिल ऑफिसर हैं और आप जिस तरह के डेडिकेशन अपने केस में दिखाते हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका नाम मेडल के लिए रिकमेंड कर दूं। क्या? थैंक यू सर, थैंक यू। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। लाइसी जी प्लीज छोड़ दीजिए ना, प्लीज मत करिए लाइसी जी, जाने दीजिए ना प्लीज। आप समझ नहीं रहे हैं इलायची जी, हमारे अंदर इतने सारे सच के कीड़े बिलबिला रहे हैं। आई लव यू इलायची जी प्लीज। एक काम
कीड़े जो ये कीड़े है ना, मार दो इन सारे कीड़ों को, क्योंकि अगर ये कीड़े बाहर आ गए ना तो मतलब सच्ची बता रही हूँ बड़ा सारा रायता फैल जाएगा। पिंटू भाभी समझाओ ना अपने पति को। अरे हम कैसे समझाएं, इतना लंबा चौड़ा आदमी हमारे बस में ही नहीं आता। कैसी बीवी आप? हाँ अरे यार तू पिंटू भाभी भी क्यों चिल्ला रही है? अच्छा तुझे बड़ा दर्द हो रहा है पिंटू भाभी के लिए? अरे क्यों ना दर्द हो, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हैं। अबे क्या बकरा है, मेरा मतलब मैं कह रही थी गुगु कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है। इलायची जी हमको लग रहा ना इनके दिमाग की हट गई है तभी ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। हाँ आपने बोल दिया और हमने मान लिया। पंचम, अरे पंचम छोटे, अरे छोटे की तबीयत खराब है। छोटे तो सामने खड़ा है। अरे मैं वो पंचम कहना चाह रहा था, वो मुंह से छोटे निकल गया। हाँ हाँ ऐसा सेठ जी तभी होता है जब आदमी का झूठ पकड़ा जाने वाला होता है। अब क्यों क्या बकवास कर रहा है तू बेकार की है? क्या छोटे भैया तुम्हें छोटे बड़ों से बात करने का सलीका नहीं पता है? ना सलीका जितना है ना इनको सिखाओ सेठ जी को। अरे यार अब ये छोटे भी आ गया, इलू क्या करेंगे? अरे यार ये छोटे भी ना मेरे पापा के ना पीछे हाथों के पड़ चुका है। चुप करो आप। अरे यार क्या करें, अब मैं इसका सर तोड़ के आती हूँ अभी। और ये बेटा अभी अपने पति का ख्याल रखना, कहीं जाने ना पाए। मैं छोटे का इलाज करके आती हूँ, सुनो चल मेरे साथ। चुप रहे ना। ओहो क्या हो गया पापा? अरे इलायची वो पंचम को बुखार है ना? हाँ हाँ बहुत ज्यादा बुखार है उनको। हाँ हाँ अंकल जी इतना बुखार है कि मतलब जीजाजी तो तप रहे हैं बुखार के मारे। ले आ पिटवा भी। जीजाजी को बुखार आया ना? आया है ना? हाँ 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 बुखार है, बहुत तेज बुखार है। पता उनका शरीर जो है ना तप रहा है, एकदम कपकपा रहे हैं वो। आंटी जी हाँ हम जो कह रहे हैं कि कोई गोली वोली पड़ी हो एक आप तो दे दो, उन्हें खिला देते। जलने की बू कहाँ से आ रही है? बू जला धुआं। हाय रब्बा, अरे ये धुआं तो जीजा जी के रूम से आ रहा है। अरे आग लगी, इलाज के पास आग लगी। अरे चलो चलो चल 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 ध्यान से जाते बेटा। अरे इलायची जल्दी चल, जल्दी करो। जा रही हूँ। हमको लगता ना इसकी चाबी तो अंदर ही रह गई, ये चाबी ना चपटे वाले ताले की है। क्या कह रही हो यार पिंटू भाभी, दरवाजा कैसे खुलेगा? अरे तो दरवाजा तोड़ दो ना, तोड़ दो। अरे एक मिनट एक मिनट, अरे दरवाजा मत खोलियो, शीशम का दरवाजा नुकसान कराएगी, वो तो वैसे खुल जाएगा। तोड़ के भी कोई फायदा नहीं, इसके अंदर से घुसेंगे कैसे हम लोग? इलू यार जल्दी कुछ सोच वरना जीजा जी जल जाएंगे। सुनो आइडिया, इधर आ मैं सदा कहा। पीछे जाओ अंकल जी, पीछे जाओ। इलायची संभाल के बेटा। इलू ध्यान से चलो। हे भगवान सबकी रक्षा करना भगवान, सही सलामत बाहर आ जाए।
लग गई यार। इधर इधर इधर। जीजाजी ध्यान से। उठो उठो जीजाजी। हेल्प करो, सुनो। चलो। ध्यान से ध्यान से हिलो। बैठ जाइए। जीजाजी ठीक तो है ना? अरे मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन ना। अरे आप बुझा दी, आ जाओ ये। हाँ, थैंक यू। अरे सेठ जी हाथ दो। थैंक यू लाइफ। अरे आना, अरे ध्यान से बिट्टू, अभी ध्यान से। पापा ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। एक मिनट, ये तेरे बाल कहाँ चले गए? कम वक्त आग ने ना मेरे बाल जो है जला दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े अच्छे बाल है भाभी तुम्हारे। मतलब जल भी गए बाल और मतलब सेट भी हो गए, एक भी बाल टेढ़ा ना हुआ। पंचम तुम ठीक हो ना बेटा? जले वाले तो नहीं ना? जी आंटी जी, हम बिल्कुल ठीक है। अरे भैया तू ठीक है तो मुझे एक बात बता दे, क्या सेठ जी ने सच में मुझे 2,500 का लहंगा झूठ बोल के 4,500 में टिका दिया? कौन गधा आपसे ये बातें बोल रहा है? आप जरा उन्हें हमारे सामने लेके आएंगे, उनके कंसरे पे रख के देंगे हम। हमारे सेठ जी बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। पूरे चांदनी चौक में सबसे अच्छे इंसान है हमारे सेठ जी। थैंक गॉड, जीजा जी का सच का बुखार उतर गया है, अब मैं सेफ हूं। अरे छोड़ मेरी तारीफों के जो है पुराण मत खोल। सेठ जी मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समझा तुम्हें। एक मिनट छोटे, बहुत दौड़ भाग कर ली मैंने, ये जो जीजा जी ने बोला ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। अरे तू समझ रहा है क्यों ना सच है? अरे पापा बोलने दो ना यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों झूठ बोल रहे आप? कन्फेस करिए छोटे से सब कुछ। ना ना ना, ऐसा कुछ है ही ना। पापा आपको मेरी कसम, प्लीज। आई एम सॉरी छोटे यार, देख ऐसा है, मैंने ना 2,500 का लहंगा तुझे 4,500 में बेचा था, और मैं सबको ऐसे ही बेचता हूँ। अब तू मेरा दोस्त है इसलिए मुझे माफ कर दे। कोई बात ना सेठ जी, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, माफ कर दिया मैंने। अरे छोटे, तू आज बड़ा चुप चुप है, कुछ बोल ना। काम कर रहा हूँ ना। एक काम कर रहा क्या है, मतलब कोई गांव का किस्सा विस्सा सुनाओ ना। सारे किस्से सुने हैं तुमने सेठ जी? अरे भाई तो दोबारा सुना दे। क्या सुना दूं, कुछ सूझ ही ना रहा तो क्या सुना दूं? कुछ सूझ ना रहा तो ना सूझ ना रहा यार। चल भैया अब सूझ जाएगा तुझे, अब सूझ जाएगा देख। मतलब देख, ये तेरे सामने दराज है ना, इधर खोल। क्या है? हाथ डाल, कुछ है उसमें, देख तो। हाथ तो डाल थोड़ा, देख तो अंदर। ये पैसे किसने रख दिए? तेरे एक दोस्त ने, जो तुझे बहुत प्यार करता है और तुझे अपना छोटा भाई मानता है, उसने रखे हैं। एलाइची जी हमें माफ कर दीजिए, हम अनजाने में पता नहीं आपसे क्या क्या बोल दिया, सॉरी। एलाइची जी क्या हो गया, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं, ना जाने आपने कितनी बार मुझे आई लव यू बोला है। एलाइची जी हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमें सच में नहीं पता था हम क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे। अब जो चाहे सजा दे सकती हैं हमें, हम उफ तक नहीं करेंगे, हम तैयार हैं, हम अब बस हुक्म कीजिए। हाँ जी तो फिर ठीक है, आपकी सजा यह है कि आपको 5 बार मुझसे आई लव यू बोलना पड़ेगा।
हैं जी? ये क्या बोल रही हैं आप? हम नहीं, आपको बोलना पड़ेगा वरना। एलाइसी जी आप प्लीज रोइए मत, हम करते हैं एलाइसी जी, कोशिश करते हैं हम। हाय। लव आके आके एलाइसी जी, आई लव एलाइसी जी, आई लव माय इंडिया। चाहे जितना भागना है भाग लो, लेकिन एक दिन तो ट्रुथ सीरम के बगैर ही मैं आपसे सच उगलवा के रहूंगी, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं।